काम होना चाहिए। देश के किसी भी मीडिया के इन दलालों में हिम्मत है, मां का दूध पिया है, जो 2014 का जो प्रधानमंत्री का वादा था उस पर सवाल पूछ ले। ये क्या है हिम्मत? मां का दूध पिया है जो पाकिस्तान पर आक्रमण करे? लाल बहादुर मंत्री जी ने खाऊंगा न खाने दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा, बदनाम नहीं होने बिकने नहीं दूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने खाया भी, खिलाया भी, लोग पैक करा के भी ले गए, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग, देश की जनता ट्रेन से। स्थिति में क्या लग रहा है सर, किस तरह से, जिस तरह से लोगों पर हमला किया जा रहा है? आज देवबंद का मामला आया है कि देवबंद में रात 12 बजे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसे चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, यह सरकार दंभी अहंकारी है। रावण ने, रावण के विरोध में बोलने वाले और रावण को जो समझाता था वो उसको देशद्रोही लगता था, ये रावण राज की तरह देश चला रहे, ये सरासर गलत है। देश के आजादी के दीवानों ने, देश की लड़ाई में सभी जाति सभी धर्म के लोगों का स्थान था, ये देश सभी का है, ये सावरकर का देश नहीं है। और सावरकर गोरे अंग्रेजों की नजायज आत्माएं आज भी भारत भाजपा और आरएसएस नेताओं के अंदर प्रवेश है, वो उसी तरीके से देश को लूट रहे हैं, देश में आपसी मतभेद कर रहे हैं भाजपा आरएसएस के नेताओं के कारण, देश का ये हालत है। आज जो पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत के लोगों को बाहर के देशों से भगाया जा रहा है, नौकरी से निकाली जा रही है, ये भाजपा आरएसएस के नेताओं का कारण है। जब 17 नवंबर को चाइना में हुआ, 30 जनवरी को भारत में हुआ, दिल्ली के चुनाव में भाजपा के लोग गली गली घूम रहे थे, तारीपार गृह मंत्री भी पर्चा बांट रहे थे, रामविलास पासवान जी जो बिहार के पलटू राम सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक, और कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू, नीतीश कुमार घूम रहे थे। अब बताइए कि बिहार के मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, वेतन भत्ता लेने के लिए पैसा है। हम पूछना चाहते हैं, देश के लोगों ने, देश की जनता ने, हमारे देश के भगवान, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवक सेविकाएं, सुरक्षा प्रहरी, दिल्ली पुलिस के जवान, सेना के जवान, जो लोगों ने त्याग तपस्या बलिदान पर मोदी सरकार दारू की बिक्री करवाकर पानी फेर दिया, तो आज देश में इतने हिंदवारा में हो गए, आप पाकिस्तान पर आक्रमण क्यों नहीं करते है? आपका 56 इंची का सीना यही है। देश ने देखा है, जब चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, आपका सांसद तापिर गांव लोकसभा में बयान दिया था कि चाइना ने अरुणाचल में 50 से 60 किलोमीटर जमीन कैप्चर कर ली, आपका 56 इंची सीना कहां गया? पाकिस्तान में 15 रुपया पेट्रोल पर, 27 रुपया डीजल पर दाम कम कर दिए गए, पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव मुतियाबिन हो गया, नजारे को पता ही नहीं चलता है कहां से, और जनरल बी के सी, ये सब एक षड्यंत्र के तहत देश के दलाल मीडियाओं के साथ 25 रुपए पेट्रोल मिलेगा, 25 रुपए डीजल मिलेगा, हर गांव को 200 करोड़ रुपया मिलेगा, 300 रुपए की सिलेंडर मिलेगी। अब बाबा रामदेव, काला धन तो आया नहीं, काला दिन आ गया हिंदुस्तान का, अच्छे दिन आए नहीं, बुरे दिन आ गए। बाबा रामदेव के 2212 करोड़ रुपये बट्टे में डाल दिए गए, जैन इंफ्रा किसका है? मेहुल चौकसी कहते थे प्रधानमंत्री जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आ लोगों ने देखा कि लोग पैक करा के भी ले जा रहे, लोगों ने देखा कि खाया भी खिलाया भी, और लोग पैक करा के भाग भी गए। देश की जनता ट्रेन में जा नहीं सकती है, ये भगोरे हवाई जहाज से गए तो बाकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री जी हर बात में ताली बजाते हैं, हमको ही नहीं पता चलता ताली क्यों बजाते हैं। मर्दों का काम नहीं है ताली बजाना, क्यों बजाते हैं ताली? सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब 19 मार्च तक देश से सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों में बेची जा रही, प्रधानमंत्री जी दिल्ली चुनाव में ट्रंप की गुलामी में और 22 विधायकों की नीलामी में नहीं लगे रहते, पार्टी मजबूत करने से पहले देश मजबूत करना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने जब सवाल पूछा था, टीएमसी के सांसदों ने जब सवाल उठाया था, मजाक उड़ा रहे थे भाजपा के लोग कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लिट्टी चोखा खाकर बिहार का इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, चुनाव के प्रचार का सीरियसनेस कर रहे थे। उस बिहार की स्थिति आपने देखा, 15 साल से भाजपा लोजपा जदयू डबल इंजन की सरकार मांगी थी, ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, एम्बुलेंस की कमी के कारण भाजपा लोजपा जदयू के सांसदों को मुंह में कालिख पोत कर चूरी पहन कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए? ये देश लूटने के लिए नेता, सांसद, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं,
देश के गरीब छात्रों को, मजदूरों को लाने के लिए, जो देश हमारे राज्य का देश का भविष्य है, नौनिहाल छात्रों को लाने के लिए इन बेशर्मों के पास में किराया नहीं है, मुंह फाड़ के टीवी में चले आते हैं, दांत फाड़ लेते हैं, हम असमर्थ हैं, तो असमर्थ बोल लेता है सैलरी लेने के लिए। तुम सरकारी गाड़ी यूज कर रहे हो, वेतन भत्ता ले रहे हो, आवास ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो बेशर्मो? थोड़ी सी भी निर्लज्जता की तो भाजपा के नेताओं ने पराकाष्ठा ही लांग दिया, जैसे लंका पार कर दिया। अब सवाल उठता है देश में, सवाल उठता है कि देखिए, सवाल जब उठता है देखिए, देश में पुलवामा की घटना हुई, सेना के सहायता वीर कोष बनाए गए, 250 से 260 करोड़ रुपए आए, सेना के जो आश्रित परिवार के लोग हैं उनको मुआवजा मिली क्या? देश पूछ रहा है। वो कार जब सैटेलाइट ये बता सकता है कि हरियाणा में, पंजाब में पराली जलता है तो दिल्ली का प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो वो कार सैटेलाइट ये नहीं बताएगा वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था, जिस पर प्रधानमंत्री जी कहते थे नोटबंदी से चार चार पुश्तों की कमर टूट गई, देश की 10 पुश्तों की कमर टूट गई, आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए, डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ आतंकवादी आ रहा होता है, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला तारिक हथियारों की सप्लाई कर रहा होता है। बंगाल में आप देख लीजिए, जो इस्लाम टीएमसी का विधायक कल तक बांग्लादेशी था, भाजपा में आ गया, देशभक्त हो गया, जो सिंधिया जी का घराना अंग्रेजों का दलाल था, देश का गद्दार था, भाजपा में आ गया, देशभक्त हो गया, ये देश को कहां ले जा रहे? माने गंगा को भी फेल कर दिया भाजपा पार्टी ने कि भाजपा में आओ सारे पाप धुल जाओ। अमर सिंह का चर्चा सुनते हैं आप, अमर सिंह कहाँ है, अमर सिंह की संपत्तियों किसको किसको दान दिया है, ये सब जांच का विषय है। ये लोग ऐसे कर रहे देश में जैसे समझो कि राजतंत्र चला रहे हो, लोकतंत्र नहीं चला रहे। अब देश में क्या हो रहा है, देश में हर मसले को, देश का जो दलाल मीडिया के लॉबी है, रजत शर्मा जैसे लोग जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनने के लिए, अर्णब गोस्वामी जैसे दो कौड़ी के दलाल पत्रकार, ये सब हिंदू मुसलमान कराने में लगे हैं, देश लूट रहा है, ये देश की जनता को लड़ा रहा है कि आप हिंदू मुसलमान जाति धर्म में लगे रहो, हम देश लूट के मलाई खा रहे हैं। अर्णब गोस्वामी कल तक जब टाइम्स नाउ में था तो स्मृति ईरानी को मिस नरेंद्र मोदी कहता था, चुप रहिए आप मिस नरेंद्र मोदी, योगी को ढोंगी कहता था, आज चुप क्यों है? जब देश में इतने हालात खराब हैं, पाकिस्तान में रेट कम हो गए, हिंदुस्तान में नहीं कम हुआ, एबीपी न्यूज उस दिन दिखा रहा था कराची में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी मिल रहा है, रसगुल्ला रसमलाई मिल रहा है। अरे दलालों, तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए देश के जनता को गोबर भरने का काम करते हो, आंखों पर चश्मा लगाते हो बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सवाल उठता है किस तरीके से आज भी गुजरात में, कर्नाटक में, यूपी बिहार के लेबरों को बंधक बना के रखा गया है, एक ही देश में अलग अलग कानून कैसे है आप बताइए ना। एक ही देश में बिहार के विधायक की बेटी को लाने के लिए स्पेशल सुविधा होती है, जनता का कोई ख्याल नहीं। देश में देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली, देश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, खाना तो मिल ही नहीं रहा है, कागजों पर टीवियों पर सिर्फ यही दिखाई देता है कि इसको ये मिला, इसको ये मिला, इसका ये मिला। जब आपके पार्टी फंड में 2500 करोड़ रुपया है, देश की आबादी 130 करोड़ है, आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे भाई? जब पीएम प्रधानमंत्री राहत कोष था तो पीएम केयर बनाने की जरूरत क्या था? प्रधानमंत्री जी कागज मांग रहे थे लोगों से, अब कहते कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, इनको शर्म आ रहा है, क्यों नहीं दिखा रहे? जब देश ने देखा है अरबों रुपया पीएम केयर में आया, अगर आप एक एक करोड़ रुपया भी दे दोगे तो देश में करोड़पति हो जाए, समाज में खत्म ही नहीं हो। इनकी मंशा है पार्टी मजबूत करने की, लोग गरीबों के नाम पर अपने पार्टी में लगाने का, नेताओं को लूट करने का। देश की जनता ये पूछना चाहता है, आपने पैसे कहाँ खर्च किए? जब प्रधानमंत्री राहत कोष में 3800 रुपए थे, पीएम केयर बना लिया, कागज नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? जब भाजपा के लोग भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए नंबर देते हैं, अपने बनाए काला कानून के लिए नंबर जारी करते हैं, कि नंबर जारी करने में शर्म आ रहा है कि देश की जनता फोल करके पूछे कि हाँ जी हमको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रहा, हम भूखे हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है,
ये देखिए अजीब सी बात है, देश की जनता को बेरोजगार कर दिया, आज तक ऐसा निकम्मा निठल्ला सरकार, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मंत्री, ऐसा सांसद आज तक नहीं, जो जाति धर्म पर लड़ाकर देश को लूट रहा है, अपने ही देश को बर्बाद कर रहा है। संदीप पात्रा को भारत सरकार 27 लाख रुपया सालाना देती है, किस बात का? सिर्फ टीवी चैनल में जाके देश में नफरत फैलाने का, जहर फैलाने का। वो डॉक्टर किस बिल में छुपा है आज, जब देश के डॉक्टर भगवान के रूप में काम कर रहे? देश की जनता और स्वास्थ्य सेवक सेविकाएं, डॉक्टर, दिल्ली पुलिस, हर स्टेट के पुलिस, सुरक्षा कर्मी लोग जो त्याग तपस्या बलिदान की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, सब पर दारू बिछवा के पानी फेर दिया। कहां ले जाना चाह रहे देश में बताइए? अगर हमारे देश के नेता वेतन भत्ता नहीं लेंगे, 70% से 80% तो जीडीपी का पैसा जा रहा है। भाजपा अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, राष्ट्रभक्ति कहती है, आज इनको दिखाने का है कि आपके देह में सावरकर का खून है, कि आपके देह में गांधी नेहरू का खून है, आज क्यों नहीं साबित करता है? क्यों नहीं वेतन भत्ता छोड़ देता है, त्याग देता है? जब चुनाव के बाद अपने सांसदों का वेतन में बेतहाशा वृद्धि कर दिया, देश का मीडिया सवाल नहीं पूछता है? क्यों नहीं पूछते हो भाई? ये हर बात में नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका से तुलना होती है। लोग बनाने चले थे जापान, बना दिए नेपाल। लोगों ने मांगा रोजगार तो बंद कह दी, मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर साधारण ट्रेन ही भेज दी गई, स्टेशन भेज दिया गया। लोग प्रधानमंत्री जी कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। प्रधानमंत्री जी, कोरोना ने आपके हर एक बातों की पोल खोल कर रख दी है। लोग साधारण ट्रेनों से अपने घर तक नहीं पहुंच सकते। इतना निकम्मा निठल्ला निर्लज प्रधानमंत्री, इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री आजाद भारत में पहली बार मिला है। कोई भी देश का नेता इस तरीके का संवेदनहीन नहीं हो सकता, जैसे भाजपा के लोग रावण की तरह अहंकारी होकर काम कर रहे। देखिए कैलाश विजयवर्गीय, देखिए कितना, मतलब बंगाल में जाके धरना दे रहा है, आपके इंदौर में क्या हो रहा है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आपके भोपाल में क्या हो रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग सरकार बनाने के लिए ये जनता को भूल जाते हैं। सरकार बन गया, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, इनका एक ही फॉर्मूला है। मैं एक सवाल सुधीर चौधरी पर जो FIR दर्ज हुआ है, पूरे सोशल मीडिया पे लगातार कल से आज तक ट्विटर ट्रेंडिंग में है कि सुधीर चौधरी को जेल तिहार भेजना चाहिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा और दो कौरी के जो ये सब जो पत्रकार हैं, जो अपना दान धर्म ईमान, देखिए मीडिया क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सजग प्रहरी है, जनता को जगाने का काम होना चाहिए। देश के किसी भी मीडिया के इन दलालों में हिम्मत है, मां का दूध पिया है, जो 2014 का जो प्रधानमंत्री का वादा था उस पर सवाल पूछ ले, एक सर के बदले में 10 सर लाऊंगा, हिंदवाड़ा में 8 सर, पाकिस्तान ने हमारे वीर सपूतों को शहीद किया है, क्या है हिम्मत? मां का दूध पिया है जो पाकिस्तान पर आक्रमण करे? लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की बात है, जिस समय हमारे पैरों में चप्पल नहीं हुआ करता था, हमने पाकिस्तान में लाहौर तक घुस चुके थे, हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, देश ने देखा है। इनमें हिम्मत? इनका भाजपा का सांसद तापिर गांव बोलता है कार्रवाई नहीं होती है, ये मामले को बढ़ा चढ़ा के रखते हैं, क्यों नहीं आक्रमण करते? देश का बच्चा बच्चा किसी भी जाति धर्म का हो, पाकिस्तान पर पत्थर फेंकने का काम करेगा, बम गिराने का काम करेगा, यह हिंदुस्तान की मिट्टी में देशभक्ति है। हमारे देश के नेता हमारे को जबरदस्ती कमजोर बना रहे। आपने देखा जिस अमेरिका के गुलामी में प्रधानमंत्री लगे थे, अगर उतना देश में लगे होते तो आज अहमदाबाद और आगरा ये सब पूरा देश का भट्ठा नहीं बैठा होता। ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। प्रधानमंत्री जी का 2014 से पहले आप जो भी नारा देख लीजिए, एक बात सच हो, काला धन लाऊंगा, काला दिन ला दिया, किस तरीके से सफेद धन को ही लुटवा दिया, भाजपा का सांसद जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, बैंकों में डकैती डाला, बैंकों को लूटा, 8400 करोड़ रुपया बैंकों का लूटा, यस बैंक डूब गई, 35,000 करोड़ रुपया लेके सुभाष चंद्रा फुर हो गया। कहते हैं प्रधानमंत्री जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा, बदनाम नहीं होने बिकने नहीं दूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने खाया भी खिलाया भी, लोग पैक करा के भी ले गए, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग। देश की जनता ट्रेन से, बस से अपने घर नहीं पहुंच सकती है, ये हवाई जहाज से कब पहुंच गए देश को नहीं पता है। देश को कितना झूठ बनाओगे, कितना बेवकूफ बनाओगे? देश की जनता अन्न खाती है,
देश की जनता सब समझ रही है, आपके जो ने जो धर्म का चश्मा लगाया धर्म का धंधा था, हर कोई इसमें अंधा था। जब कोरोना जैसी महामारी आके रोशनी दिया तो लोगों ने, आधा देश भूखा आधा देश नंगा था, देश ने देखा है। देश के अस्पतालों में सामाजिक ये बात जो देखिए संरचना है इसकी सुविधा देनी चाहिए। 19 मार्च तक भारत सरकार सर्जिकल सामग्रियों की बिक्री बाहर के देशों में कर रहा था, साइबेरिया जैसे देशों को बेच रहा था। भाजपा के मंत्रियों को जिस बात की तनिक चिंता नहीं थी, देश ने देखा है। कोई अंतराक्षी खेल रहा होता है, कोई मास्क बना के लोगों को बेवकूफ बना रहा होता है, स्वास्थ्य मंत्री जी मटर छील रहे होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का काम है मटर छीलना? अब डॉक्टर हो, डॉक्टर धर्म का निर्वाह करते हैं, बेशर्मो अस्पताल में जाते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, किस बिल में छुपे हो? भाजपा में कई डॉक्टर हैं, संदीप पात्रा, महेश शर्मा, किस बिल में छुपा है? भारत सरकार का 27 लाख खाता है, टीवी में जाके नफरत फैलाता है। देश के उन सभी मीडिया के दलालों को के ऊपर केस होनी चाहिए। जो देखिए, बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है, जाति धर्म में देश को बर्बाद करना सबसे बड़ा आतंकवाद है। बम से तो एक ही इलाका खराब होता है, ये जाति धर्म का पालघर की घटना पर आपने देखा था, अगर वो वीडियो सच्चाई नहीं आती, जब भाजपा की प्रधान चित्रा चौधरी, उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के नाम नहीं आते, भाजपा के लोग चुप रहने वाले थे, आज पूरा देश जल रहा होता। वही उत्तर प्रदेश में इनकी बोलती नहीं निकलती है, बुलंदशहर में साधु की हत्या हो जाती है, अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में साधु की भूख से मौत हो जाती है, 5 ब्राह्मणों की एटा में हत्या होती है, गोरखपुर में ब्राह्मण की पुलिस की पिटाई से हत्या होती है, आगरा में दवाई की कमी से आदमी के इलाज नहीं हुआ मौत हो गया। ये सवाल उठता है कि कहां मतलब लेके जा रहे हैं देश को, देश पूछना चाह रहा है। ये ढोंगी राज बना है। रामायण ने दिखाया कि गरुआ वस्त्र पहनने वाला, प्रभु श्री राम का नाम कहने वाला राम भक्त हर आदमी नहीं होता, कुछ असुर भी होते हैं, ये असुर के लोग हैं। रामायण में मंदोदरी ने कहा कि राजा का मूर्ख होना देश की जनता को तकलीफ देता है। आज हमारा प्रधानमंत्री के अनपढ़ होने का देखे, डिजिटल बेइज्जती कर दिया, जिस ट्रंप में 125 करोड़ खर्च किए, कितनी बड़ी बेइज्जती हुआ विश्व में कि भारत के प्रधानमंत्री को अनफॉलो कर दिया। कहते थे अनवक्त, कहते थे पापा पता ताल, पापा पता ताल, पापा तो दंता बत्ता है, दंता को हवा निकाल दी, फट गई ढोल, खुल गई पोल। किस तरीके से, क्या बात है इनके सरकार का, हमारी जो सरकार के लोग हैं, खास करके मोदी जी की बंदूक खाली थी, निशाना चूक गया, और ट्रंप 56 इंची सीने पर कैसे थूक गया, देश देख रहा था। अब क्या कहें, प्रधानमंत्री जी काम ही विचित्र करते हैं। प्रधानमंत्री जी कभी थाली पिटवा के इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कभी दिया टॉर्च, जब भाजपा का 40 साल पूरा होता है 5 अप्रैल को, कभी गुलाब का फूल बरसवाते हैं, हम कहते हैं आप बीमार हैं। एक सोचने की बात है, दिमाग आपके पास भी है, आप भी अनखाते हैं। पत्रकार बंधु आप बीमार हैं, आपके ऊपर हम 5 किलो गुलाब का फूल डाल दें, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? आपको भूख लगी हुई है, आपको खाना मिल जाएगा? ये सवाल उठता है कि आखिर कैसे लोग हैं, कैसी विचारधाराएं हैं। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बात को यहीं समाप्त करते हैं। और मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि लगातार अपने सवालों को उठाएं कि आखिर देश में हो क्या रहा है, क्योंकि सवाल उठाना एक मूलभूत समस्या, अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि बेवकूफ आप बनते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे बड़ी देशभक्ति है, देश में कुछ भी गलत होता हो, किसी भी पार्टी के लोग गलत करते हो, आप दलगत भावना से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर सवाल उठाइए। सवाल उठाना सच्ची देशभक्ति है, देश के सामने में सवाल रखने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज।